गाइस अभी अभी बहुत बड़ी अपडेट आई है, उड्रॉल ले सकते हैं आप, चलेंगे हेमस्टर कॉम्बैट का उड्रॉल एक्सचेंज में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एयर ड्रॉप के सेक्शन में जाएंगे नीचे की तरफ और उड्रॉल में जाएंगे। उड्रॉल में आप यहाँ देख सकते हैं बाइनेंस, OKX, बाइबिट, ये तीनों में आपको KYC करना पड़ेगा एक्सचेंज में लेंगे तो। और यहाँ पे एक नया है CBI एक्सचेंज, इसमें आपको KYC और गैस फीस की जरूरत नहीं है इसमें लेते हैं तो। वॉलेट में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बाइनेंस के ऊपर। आप अगर क्लिक करते हैं लेने के लिए तो यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव बाइनेंस अकाउंट, पहले आपसे आपका बाइनेंस अकाउंट है तो आप यस करेंगे, नो अगर नहीं होगा तो आप नो करेंगे, ठीक है। तो मेरा तो बाइनेंस का अकाउंट नहीं है तो मैं इसमें नहीं लूंगा, मेरा बाइबिट का अकाउंट है तो मैं अपना बाइबिट के अकाउंट में इसको लूंगा। तो कैसे करूंगा, तो पहले मैं बाइबिट के अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद हाँ मेरा इसमें बाइबिट का अकाउंट है पहले से, तो मैं यस पे जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे को यहाँ पे मांगेगा वॉलेट एड्रेस और मेमो नंबर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बाइबिट के अकाउंट में जाऊंगा, उसको डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा। जैसे डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे डिपॉजिट क्रिप्टो नीचे में करूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पे सर्च करते हैं हेमस्टर ऊपर में, ठीक है। तो चलिए हेमस्टर लिखते हैं, तो एक मिनट काट देते हैं, एच लिखते हैं, एच से ही आ जाएगा, देखते हैं कहाँ पे है। तो हेमस्टर खोज लेते हैं, तो ये रहा है हेमस्टर, मुझे मिल चुका है। तो इसके ऊपर एक बार मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ फिर से एक बार यहाँ पे नीचे टोन है तो टोन चेन को सिलेक्ट करना होगा, नीचे एक बार क्लिक करूंगा और यहाँ पे आ गया ये एड्रेस हमारा शो करने लगा। तो इसको एक बार ओके करते हैं, तो ये देखो ये रहा हमारा वॉलेट एड्रेस और ये रहा नीचे में हमारा मेमो नंबर। ये वहां पे जाकर मैं पेस्ट कर दूंगा और हमारा टोकन जो होगा वो हमारे बाइबिट अकाउंट में मिल जाएगा। और 26 तारीख को मैं इसको सेल कर सकता हूँ, जितना सेल करूंगा मैं आपको स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो इसी तरह से आप भी सेल कर सकते हैं। अभी कुछ ग्लिच चल रहा है जिसके कारण ये बार बार बैक हो जा रहा है, तो आप एक दो घंटे वेट करेगा आपको ये अपडेट मिल जाएगा।